प्रदेश के गरीबों को मिलने वाले आवास उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, हुड्डा ने कहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र से हरियाणा को मिलने वाली योजनाओं के प्रति बीजेपी जेजेपी सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। हुड्डा का कहना है कि इसका खामियाजा प्रदेश की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, ताज़ा मामला प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य सरकारों को मिलने वाले गरीब लोगों के आवास से जुड़ा है। बार बार आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। इसके चलते केंद्र की तरफ से हरियाणा के गरीबों को मिलने वाले मकान नहीं बन पाए, इसलिए केंद्र ने हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों को मिलने वाले 1,44,000 मकानों का आवंटन उत्तर प्रदेश को कर दिया है। 1,44,000 मकानों का आवंटन उत्तर प्रदेश को कर दिया है। दोस्तों, हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रदेश में दलित, गरीब व पिछड़ों को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट देने की योजना शुरू की थी। योजना के तहत लगभग 4,00,000 परिवारों को प्लाट दिए गए। साथ ही इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए 91,000 रुपये आवंटित किए, लेकिन बीजेपी ने सत्ता आते ही इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया। तो दोस्तों, 100-100 गज के जो प्लाट मिलने थे वो योजना अब यूपी को ट्रांसफ़र हो गई है।